आज का हमारा टॉपिक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये प्रिंटर्स की दूसरी कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हमने इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर को स्टडी किया था। फिर करेक्टर प्रिंटर के अलग पार्टीशन थे उनको स्टडी किया, लाइन प्रिंटर के अलग पार्टीशन थे उनको स्टडी किया। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। ये वो प्रिंटर हैं जो कभी भी आपके कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ते या कोई इम्प्रेशन नहीं छोड़ते। बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या हुआ करता था, रिबन के ऊपर आपका हैमर स्ट्राइक होता था, रिबन पेपर के ऊपर प्रिंट करता था, इसलिए उनको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहा करते थे। लेकिन अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो इसमें कहीं भी आपके पास हेड के ऊपर स्ट्राइकिंग नहीं होगी। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास लेजर प्रिंटर आते हैं, इंकजेट प्रिंटर आते हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रिंटर हैं जो ये नॉइजी नहीं होते, कम नॉइज करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के मुकाबले। प्रिंटर आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू वेदर और नोट द इमेज प्रिंटिंग इन फॉर्म्ड बाय स्ट्राइकिंग एन इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर। कि जो प्रिंटर को हम कैटेगराइज करते हैं तो हम इसके हिसाब से करते हैं कि क्या कोई इंप्रेशन आएगा या नहीं आएगा। अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली इनको यूज किया जाता है, फास्टर है, कम नॉइजी है, वर्किंग ज्यादा अच्छी करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके करेक्टर और इमेज कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं बिना फिजिकली कॉन्टेक्ट किसी भी मशीन और पेपर के। अब अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं तो बेसिकली इनको तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। अब अगर हम लेजर प्रिंटर की बात करते हैं तो लेजर प्रिंटर यहां पर आपका जो है वो लेजर के थ्रू वर्किंग करता है, और लेजर को हम क्या बोलते हैं, एल लाइट, ए एम्प्लीफिकेशन, बाय सिमुलेटेड, एस ई इमिशंस ऑफ रोटेशन। अब लेजर प्रिंटर फास्टेस्ट है, हाईएस्ट क्वालिटी देता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। ये वर्क करता है फोटोकॉपियर की तरह। लेजर प्रिंटर ट्रांसफर करता है आपकी आउटपुट की इमेज को पेपर के ऊपर लेजर टेक्नोलॉजी और टोनर के थ्रू। टोनर क्या है आपका, जिसके अंदर हम पाउडर इंक डालते हैं और इसको हम यूज करते हैं लेजर प्रिंटर के अंदर और फोटोकॉपियर के अंदर। जो टोनर है इसका यूज मैंने यहां पर बताया। लेजर प्रिंटर के अंदर एक स्पेशल ड्रम होता है जिसके ऊपर इमेज क्रिएट की जाती है आउटपुट की, और अब उस ड्रम की इमेज को ट्रांसफर किया जाता है पेपर के ऊपर। तो जब इमेज आपके पास आउटपुट पेपर की क्रिएट की गई, ड्रम ने उसको मैग्नेटिक इंक पाउडर के थ्रू प्रिंट किया माइक्रोस्कोपिक डॉट्स के थ्रू, तो वो डॉट आपके जब ट्रांसफर होते हैं 300 dpi से लेके 1200 dpi तक। dpi का मतलब था डॉट पर इंच, कि एक इंच के ऊपर आप कितने डॉट्स रिप्रेजेंट करना चाहते हो। और जो ये डॉट है यही आपके प्रिंटिंग की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जितने क्लोजेस्ट होंगे उतनी ही प्रिंटिंग क्वालिटी आपकी बढ़िया होगी। लेजर प्रिंटर कैन प्रिंट बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। कि जो लेजर प्रिंटर है ये ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन के अंदर। लेजर प्रिंटर प्रिंट्स वन पेज एट अ टाइम, एक टाइम पर पूरे पेज को प्रिंट कर देते हैं। देखिए करेक्टर प्रिंटर में एक करेक्टर प्रिंट होता था, फिर हमारे पास आए लाइन प्रिंटर जो एक टाइम पर एक लाइन को प्रिंट किया करते थे। अब हम बात कर रहे हैं लेजर प्रिंटर की जो एक टाइम पर पूरे पेज को निकालते हैं। द लेजर प्रिंटर्स आर देयरफॉर आल्सो कॉल्ड पेज प्रिंटर। इसीलिए हम लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहते हैं। जो प्रिंटिंग स्पीड है लेजर प्रिंटर की ये है 4 से लेकर 32 पेज पर मिनट। ये डिपेंड करता है कि आप पर मिनट कितने पेजेस यहाँ पर निकालना चाहते हो। तो आप 4 भी निकाल सकते हो, 32 भी निकाल सकते हो, आपके पास 200 पेजेस तक यहाँ पर मिनट के निकलते हैं। डिपेंड करता है आपके प्रिंटर के डीपीआई के ऊपर। अब एडवांटेजेस क्या क्या है, एडवांटेजेस से पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ शेप, कि आपके पास एक लेजर सेंसिंग यूनिट है, एक मिरर है और वो आपका काम कर रही है यहाँ पर ड्रम के हिसाब से। आप देखिए एक इमेज आपके पास डिस्प्लेड है, जैसे वो ड्रम पर पड़ती है तो आपके पेज के ऊपर वो वर्किंग यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। तो आपको उसने प्रॉपरली यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है कि किस तरह से आपके पास लेजर के थ्रू वर्किंग परफॉर्म हो रही है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, एडवांटेज में हमारे पास सबसे पहले आता है लॉन्ग लाइफ, काफी लंबे चलते हैं, प्रिंटिंग स्पीड फास्ट है, कॉस्ट काफी लो पड़ती है और आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है इसकी हाई है।
इसी तरह से प्रिंट करते हैं करेक्टर कई शेप्स और साइज के अंदर, बल्क प्रिंटिंग के लिए सुटेबल है, प्रोड्यूस करते हैं हाई क्वालिटी आउटपुट को, और यहां पर हम ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। नीचे मैंने आपको तीन एग्जांपल दिखाए हैं, दो एचपी के प्रिंटर हैं, एक कैनन का प्रिंटर है, जो हमारे लेजर जेट प्रिंटर है। लेकिन यहाँ पर लेजर जेट प्रिंटर्स में कईयों में एक कमी आती है कि आप यहाँ पर ग्राफिक्स जो रिप्रेजेंट करते हो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट करते हो, कलर आप नहीं रिप्रेजेंट कर पाते। अब डिसएडवांटेज क्या है, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कि आपके पास जो हार्डवेयर की कॉस्ट है, कॉस्टली प्रिंटर है ये, एक बार आपको इनको जब परचेज करना है तो उस वक्त आपको काफी कॉस्ट देनी पड़ती है। डस्ट सेंसिटिव, आपको डस्ट से बचा के रखने हैं। इसी तरह से अगर कभी किसी प्रिंटर में कलर टोनर कैटेज हैवी है तो काफी एक्सपेंसिव है, और ये टोनर ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, और एनवायरमेंट पोल्यूशन भी इसे काफी ज्यादा होता है जो ओजोन लेयर के ऊपर इफेक्ट डालता है। फिर आते हैं इंकजेट प्रिंटर। अगर हम इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं तो ये भी नॉन इफेक्ट प्रिंटर है, क्रिएट करते हैं आउटपुट पेपर के ऊपर, लेकिन स्प्रे करते हैं ड्रॉप्स लिक्विड इंक की। अब इंकजेट प्रिंटर के अंदर लिक्विड इंक डाली जाती है, जो लेजर जेट प्रिंटर थे उसमें इंक पाउडर डाला जाता था। तो यहां पर जो प्रिंट हेड है वो स्प्रे करता है कुछ ड्रॉप्स आपके इंक के, और कंसिस्ट करता है प्रिंट कैरिटेज, ताकि आप उसको लिक्विड इंक को वर्किंग परफॉर्म करवा सको, और जितनी भी वर्किंग आपकी है वो यहां पर मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है नोजल्स के थ्रू। तो एक तरह से डॉट मैट्रिक्स की तरह काम करते हैं, लेकिन एक टाइम पर आपके पास पूरा पेज प्रिंट निकालते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की तरह ही कंबिनेशन ऑफ नोजल्स यहां पर है, जो एक्टिवेट होती है शेपर और करेक्टर इमेज के थ्रू, और स्प्रे करती है लिक्विड इंक को। ये प्रिंटर यहां पर रेजोल्यूशन रेंज देते हैं 300 से लेके 720 डीपीआई, और जो लेजर थे वो देते हैं 300 से लेके 1200 डीपीआई तक। इंकजेट प्रिंटर ये लो प्राइस के होते हैं, लेजर प्रिंटर से आपको डीपीआई से ही पता लग गया क्वालिटी लो है तो आपके पास रेट भी लो ही रहेगा। इसी तरह से ये कुछ स्लो भी होते हैं, उससे प्रिंट क्वालिटी लो होती है लेजर प्रिंटर के मुकाबले, लेकिन फास्ट है और हाई प्रिंट क्वालिटी है डॉट मैट्रिक प्रिंटर से, यानी कि एक तरह से डॉट मैट्रिक प्रिंटर की रिप्लेसमेंट थी। प्रिंटिंग स्पीड इंकजेट प्रिंटर की एक से लेके 6 पेज होती है पर मिनट। इसी तरह से आपके पास जो एडवांटेजेस हैं उसमें क्या है कि आप प्रिंट करते हो एक टाइम पे पूरे पेज को, हाई क्वालिटी आउटपुट आती है, मोर रिलायबल है। लेकिन इसके साथ साथ आप स्मॉल बिजनेस के अंदर यूज करते हो, स्पीड फास्ट है कंपेयर टू करेक्टर एंड लाइन प्रिंटर। डिसएडवांटेज क्या क्या है, हार्डवेयर कॉस्ट हाइयर है डॉट मैट्रिक प्रिंटर से, पेपर कॉस्ट काफी हाई जाती है, और इसी तरह से स्लो है लेजर प्रिंटर के मुकाबले, बल्क प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है, और डस्ट से बचा के रखना पड़ता है। अब आती है हमारे पास थर्ड कैटेगरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स ये टाइप के वो प्रिंटर हैं जिसके अंदर हम इमेज को सबसे पहले पैटर्न में लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के, और उसके बाद विजिबल होती है वो पैटर्न आपका जैसे किसी भी पेज के कॉन्टेक्ट में आता है। तो जो आपके पास यहाँ पर उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो वर्किंग को परफॉर्म करते हैं, जो पिगमेंट है वो यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं चार्ज पैटर्न को, और सबसिक्वेंसली फ्यूज और बाउंड कर देते हैं पेपर को। अगर कुछ फ्यूज है तो वो प्रिंट नहीं होगा, अगर बाउंड है तो आपका पेपर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इन सम डिजाइन द चार्ज पैटर्न इज अप्लाई बाय स्टाइल यूज डायरेक्टली टू पेपर, कि यहाँ पर जो आपके पास स्टाइल यूजेस हैं वो डायरेक्टली पेपर के ऊपर आ जाते हैं, जिसके थ्रू वो स्पेशली ट्रीट करते हैं। अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है, यहाँ पर पैटर्न को अप्लाई करते हैं मेटल ड्रम के ऊपर, उसके ऊपर कोटिंग होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और ये जो पैटर्न है इसको हम विजिबल करते हैं पेपर को वाश या ड्रम के साथ, यहाँ पर जो भी उसकी वर्किंग परफॉर्म हो रही है। अब जो इमेज है ड्रम के ऊपर वो ट्रांसफर की जाती है प्लेन पेपर के ऊपर प्रेशर के थ्रू, और एप्लीकेशन जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की है उसके थ्रू। तो जो आपके पास प्रैक्टिकल से पिगमेंट के काफी फाइन जाते हैं, और आपके पास जो फाइबर है पेपर फॉर्म के प्रिंट करने की वो भी अच्छी है। तो जो चार्ज है ये अप्लाई किए जाते हैं ड्रम के ऊपर, किसके थ्रू, प्रोजेक्शन के थ्रू, और कुछ लिटरेचर में हम इसको यूज करते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेजेस ही फॉर्म की जाए स्टेप्स के अंदर प्रोसेस के लिए। तो ये प्रिंटर आपके शेप में इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एडवांटेज हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, इमेज और ग्राफिक आपको प्रेजेंटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड काफी फास्ट है। डिसएडवांटेज सिर्फ एक है कि ये काफी एक्सपेंसिव है। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था, कल करेंगे हम
प्लॉटर्स के बारे में।